नेक्स्ट जनरल नॉलेज का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। वैसे तो जनरल नॉलेज ही है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, हाईएस्ट पीक जो दुनिया में है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारत की K2, ठीक है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, बट कागज जो है भारत के पास है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुडविन ऑस्टिन, ठीक है, सॉरी गुडविन ऑस्टिन, ठीक है, गुडविन ऑस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये नंदा पर्वत नहीं, नंगा किस पर्वत के ऊपर है, कौन से काराकोरम रेंजेस में तो है। यहाँ पे बड़े सारे लोग जाते भी हैं, ठीक है। POK क्या बैठ, ठीक है। अलग अलग पर्वत पे अलग अलग पीक्स हैं, ठीक है। आपको पता है कोविड के टाइम ना, जब बिल्कुल एनवायरनमेंट क्लीन हो गया था, तब धौलाधर के पहाड़ दिख रहे थे, जम्मू से, हिमाचल से, सारी जगह से धौलाधर के पहाड़ दिखना शुरू हो गए थे, क्योंकि पोल्यूशन नीचे बैठ गया था, कोई स्मोक नहीं था, कोई गैसेस नहीं थी, और क्लीन एनवायरनमेंट में धौलाधर के पहाड़ दिखे थे। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक इन सिक्किम, कंचन, ये गलत लिखा है, ये नहीं ठीक लिखा, थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचन जुंगा, ठीक है। कंचन जुंगा सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। और सिक्किम जो है, यहाँ पे नेशनल पार्क भी कौन सा है, कंचन दजुंगा, ठीक है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सिक्किम की कैपिटल, शुक्र है, ठीक है, गैंगटॉक, जिसको नहीं याद होती, गंगा तक, ठीक है, गंगा तक सिक्किम में, ठीक है, जिसको बहुत सारे बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टेट्स एंड कैपिटल याद करने में, गंगा तक सिक्किम में, ठीक है, गैंगटॉक नाम है। अरावली के पहाड़, ठीक है, अरावली के पहाड़ों में सबसे बड़ी है गुरु शेखर, इस गुरु शेखर के ऊपर भगवान जैन का टेंपल, बहुत बड़ा टेंपल है, दिलवाड़ा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दिलवाड़ा टेंपल। और ये कहाँ पे है, माउंट आबू, ये ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, माउंट आबू, इस माउंट आबू में दिलवाड़ा है। और राजस्थान के पहाड़ों को अरावली के पहाड़ बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन भी है, और यंग मीन्स जब हिमालय नहीं थे तब भी ये थे, तब भी अरावली के पहाड़ थे, तब भी ये गुंडवाना लैंड थी, तब भी गुंडवाना लैंड थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये बाद में बिल्ड हुए हैं, ठीक है, ये लैंडमार्क छोटा नागपुर प्लेट्यू बाद में बिल्ड हुए हैं, और ये गुंडवाना लैंड पहले भी थी। यहाँ पे कोल ज़्यादा मिलता है, यहाँ भी कोल मिलता है, कोल की जो बेस्ट फॉर्म है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, और प्योर सबसे वर्स्ट साइड जो है उसको पीट कहते हैं, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब अरावली का पहाड़ हो गए, उसके बाद वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट केरला साउथ इंडिया की अनामुड़ी, ठीक है, अनायमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की भी, केरला की भी, और साउथ इंडिया के भी, दक्षिण पेनिनसुलर के भी हाईएस्ट जो पीक है अनायमुड़ी। इस तरह नदी जो है हाई लार्जेस्ट नदी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी, कौन सी है, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, साउथ की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और माउंटेन जो नॉर्थ इंडिया को दक्षिण से सेपरेट करता है वो विंध्यास के पहाड़ है, कौन से हैं, विंध्यास के पहाड़, विंध्यास के पहाड़ याद रखेगा। बहुत सारे इसके ऊपर स्टोरीज भी हैं, पुराणों में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। विंध्यास जो माउंटेन था वो चाहता था मैं हिमालय से भी ऊंचा हो जाऊँ, तो उसके जब गुरु वहाँ से निकले वो इस मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में रहा, और बोलते हैं वो झुका हुआ पहाड़ है विंध्या। अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, सबके साइंटिफिकली अलग रीजन है, ठीक है। अगर ये विंध्यास के पहाड़ ऊंचे हो जाते, नॉर्थ इंडिया और दक्षिण कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि ये ऊंचे हो जाते रास्ता बिल्ड नहीं होता।
वेस्टर्न घाट की आ गया, मैंने पढ़ा दिया, एंड आई मूडी ईस्टर्न घाट की जिंदा गाड़ा, ईस्टर्न घाट की, और तमिलनाडु की डोडा बेटा, तमिलनाडु की डोडा बेटा, डोडा बेटा तमिलनाडु की, और जिंदा गाड़ा जो है ईस्टर्न घाट की। चलो थैंक यू, आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, जय हिंद।